तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज यहाँ पर है शादी वाला डे, यानी 4 तारीख है आज, और यहाँ पे एक पंच भी हो रहा है बच्चे का। तो गाइस यहाँ पे देखिए, अब ये पंच की तैयारी हो रही है, साड़ी वगैरह, और ये भाइयों है जिसका पंच होने वाला है। बाद में बोल दो। हम यहाँ पे खाना खाने बैठ गए थे और अभी खाना आने वाला है। गाइस ये देखिए, मम्मी और पापा आ चुके हैं अब वेडिंग में। तो यहाँ पर फोटोज खींच रही है मौसी। हाँ तुम देखना फिर, है ना? हाँ तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे एक सब्सक्राइबर बढ़ते हुए हमारा। मम्मी उनको चैनल के बारे में सभी कुछ बता रही है। ये मौसी ही है हमारी, मतलब मम्मी के कजन सिस्टर। और यहाँ पे मंडप का काम हो रहा था आगे। बेटों को तो समझ नहीं पड़ती। तो गाइस ये देखिए, यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं। बाय। और देखिए गाइस, फिर शाम का समय हो गया था और दूल्हे राजा यहाँ पे आ गए हैं। तो इनकी जो सास है वो यहाँ पे उनको परच रही है, और जो मंडप में आके थोड़े रस्में होती है, फिर उसके बाद शादी होती है। तो यहाँ पे अभी लगन लगेंगे पहले, फिर रात में शादी होगी। और फिर गाइस यहाँ पर दुल्हन भी आ गई है, और ये लोग सभी हंसी मजाक करते हुए सारी रस्में कर रहे हैं। पंडित जी भी आ गए थे, तो अभी यहाँ पे लगन होंगे। ये दुल्हन है और सामने दूल्हा राजा बैठे हैं। बैठने दो। बोल दिए थे कभी मैं जाना पड़ेगा। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर सभी लोग आ चुके हैं मंडप के लिए, और यहाँ पे क्या बोली परछाई, आगे का वर्ड याद नहीं है गाइस। हाँ यहाँ पे लगन हो रहा है, और फिर फिर गाइस यहाँ पर बारात आ गई थी, तो सभी लोग स्वागत के लिए खड़े हैं दुल्हन साइड वाले। हो गया? नहीं अभी कहाँ से चल। तो गाइस अभी हम शाम का खाना खाने बैठे हैं। गुलाब जामुन वाला है भैया है। तो गाइस ये देखिए, शाम का खाना हो रहा है। ये है आज की रेसिपी, खाना मतलब तो गाइस अभी हम लोग खाना खा रहे हैं और सभी लोग बैठे हुए हैं, देखते हैं आगे। अरे और गाइस खाना वाना खाने के बाद हम लोग स्टेज साइड आ गए थे। स्टेज पे यहाँ पर दुल्हन दूल्हा आ चुके हैं, और अब यहाँ पे सभी लोग फोटोज लेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर वरमाला की रस्म हो रही है, तो दोनों दुल्हन दूल्हा वरमाला पहनाएंगे एक दूसरे को। वरमाला को आता है, हाथ से वो हाथ से
अब गाइज स्टेज कार्यक्रम हो चुका था तो दुल्हन दूल्हा खाना खा रहे थे और यहाँ पर फैमिली मेंबर्स फिर से चालू हो गए थे डांस करने के लिए क्योंकि डीजे भी रखा था और सभी लोग एक बार फिर से एंजॉय करना चाह रहे थे। तो यहाँ पे मम्मी भी डांस कर रहे हैं और सभी फैमिली मेंबर्स डांस कर रहे हैं, तो आप भी एंजॉय कीजिए। हेलो गाइस, देखिए हम आए थे, बाबूजी की तबीयत बहुत ख़राब थी तो उनको अस्पताल ले गए थे, तो हम लोग भी फिर अब उनको देखने आए, साथ ही साथ हम शादी में भी आ गए। तो बाबूजी की तबीयत अभी बहुत बढ़िया है, एकदम चकाचक लग रही है तबीयत। और देखो माएँ बेटी सब मिलके कैसे बैठे हैं, अच्छे लग रहे हैं कि नहीं जरा बताना मेरे को कमेंट करके। तीनों के तीनों देखो और कौन रो रहा है इसके अंदर जरूर बताना कि कौन रो रहा है। और देखो ये सब परिवार बैठा हुआ है और ये सब परिवार इसलिए नहीं अच्छा दिख रहा है तो देखो दोस्तों यहाँ पर सारा परिवार बैठा हुआ है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि क्या करना है आप। तो अभी जल्दी से हम स्टेशन पे जाएंगे, बस का टाइम हो गया है, 11:15 पर बस जाएगी यहाँ पर। और हमारा प्रफुल जैसा हमेशा की तरह अपने अपने मोबाइल में बिजी होगा और कल इसको भी बहुत बुखार आ गया, यहाँ पर बहुत ठंड पड़ रही है ये दिनों में भी। और ये भैया बैठे हैं, और भैया जय राम जी की, ये देखो भैया ने भी जय राम जी कर दिया और आप लोग भी भैया को जय राम जी कर देना, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखो ये बैठी तुम्हारी यूट्यूबर, कैसे बैठी है बिल्कुल। और ये बैठे है बाबूजी भाई और मालकिन बैठी है, तीनों बैठे हुए है, थोड़ा सा हाय कर दो कम से कम। हाँ भावुक होते हुए मम्मी, क्योंकि ये बहुत भावुक हो गए, इनको रोना आ रहा है और इधर महक देख रही है।
चोरी से। तो दोस्तों अभी हम जाएंगे रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन जाने के लिए पहले यहाँ से बस पकड़ना पड़ता है। जो भी लोग इधर सिराली तरफ रहते हैं, हरदा तरफ रहते हैं, उनको मालूम है कि सिराली से पहले बस से खिड़किया या हरदा जाना पड़ेगा और वहाँ से फिर हमको नेपा नगर के लिए ट्रेन मिलेगी। तो चलिए चलते हैं। मदमा